जब हम नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट की बात करते हैं के की तो देखना यह है कि उसका प्रोसेस क्या है उसमें स्टेप्स कौन से हैं तो दो डिफरेंट ऑथर्स ने इसके लिए अपनी अपनी तजावीज़ दी हैं तो आइए देखते हैं कौन कौन सी है तो सबसे पहले ऑथर ने यह कहा कि के का जो काम है ये एक टॉप डाउन प्रोसेस है टॉप तो मैनेजमेंट से शुरू होता है और नीचे तक जाता है इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है के सी एम विद सीनियर मैनेजमेंट डिसाइडिंग टू इम्प्लीमेंट फॉर्मल प्रोग्राम कि एक फॉर्मल सिस्टम बनाना है फॉर्मल प्रोग्राम करना है इसके लिए तो टॉप मैनेजमेंट इसका डिसीजन लेगी उसके बाद अ क्लियर कम्युनिकेशन प्लान टू इन्श्योर दैट ऑल एम्प्लॉइज़ आर ऑन द सेम पेज एंड अंडरस्टैंड वट विल बी डन वाई एंड हाउ एवरी वन विल बेनिफिट कि ये एक फैसला होगा कि किस तरह से हमारे सारे एम्प्लॉज़ एक पेज पर पे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है और उन्हें यह समझाना है कि ये जो हम काम करने लगे हैं इस काम को किसने करना है किस तरह से होगा एग्जैक्टली exactly ये काम है क्या और सब लोगों को या ऑर्गेनाइजेशन को एज आ होल इसका फ़ायदा क्या होगा इसमें फिर ये है कि मैनेजमेंट नीड्स टू इंश्योर दैट एडिक्वेट रिसोर्स आर असाइन टू के सी एम एक्टिविटीज़ कि जब इसका हम एक फार्मल प्रोग्राम बनाएंगे या चलाएंगे तो उसके लिए रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स में मैन पावर भी हो सकता है कोई मशीनरी हो सकती है इसमें कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस चाहिए इस तरह से तो तमाम रिसोर्स का इंतज़ाम करे और ये काम भी जाहिर है सीनियर मैनेजमेंट ने करना है उसके बाद है टीम इज़ रिक्वायर्ड कि एच आर चाहिए एक टीम होगी कि जो इस किस्म का प्लान बनाएगी और उसको इम्प्लीमेंट करेगी उसके बाद है मैनेजमेंट नीड्स टू मेक श्योर दैट टाइम स्पेंड ऑन के सी एम एक्टिविटीज़ इज़ ऑथोराइज एंड वैल्यूड एज़ रियल वर्क कि एम्प्लॉज से जो कि रिटायरमेंट के, के करीब हैं या सीनियर्स हैं उनका नॉलेज ट्रांसफ़र करना है और जिसको ट्रांसफ़र करना है दोनों का टाइम चाहिए कि सीनियर ऑफिसर्स का या एम्प्लॉइज़ का भी टाइम चाहिए और जूनियर्स का भी चाहिए जिनको नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र करना है तो इस किस्म के फार्मल प्रोग्राम के लिए एम्प्लॉज़ का जो टाइम है उनका जो वर्क लोड है उसे एडजस्ट करना होगा और उस टाइम को जो इस काम पे लग रहा है उसको भी एक रियल वर्क समझा जाए उनके वर्कलोड में शामिल किया जाए कि इन यूनियनाइज्ड एनवायरमेंट्स जहाँ यूनियन होती हैं यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स नीड टू बी इन्वॉल्व इन द डायलॉग टू एंश्योर वर्कलोड एंड शेड्यूलिंग आर डन इन एन एडिक्वेट इन एन इक्वल इन एन इक्विटेबल मैनर अब इसमें क्या है कि यूनियन जहाँ होती है वो एम्प्लॉज़ के हकूक़ के तहफ के लिए होती है तो उनके जो नुमाइंदे हैं उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ भी एक मीटिंग की जाए और उन्हें ये बताया जाए कि इस पे, इस काम के लिए जो टाइम है ये हम उनके वर्क लोड में से माइनस करेंगे और इस तरीके से जो लोगों का टाइम लिया जा रहा है उसमें एक एक इक्विटी होनी चाहिए उसके बाद है मैनेजमेंट नीड्स टू इंश्योर देर इज़ टाइम एंड स्पेस टू कैरी आउट के सी एम मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि वो टाइम एंड स्पेस प्रोवाइड करे एम्प्लॉज़ का टाइम भी और फिर कहाँ पर कहाँ बैठना है कहाँ खड़े होना है कौन सा क्लास रूम चाहिए कौन सा डिस्कशन रूम चाहिए या जो कुछ भी चाहिए उसके लिए रिसोर्स जो हैं वो वो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करने हैं इसके बाद एक दूसरे ऑथर ने जो बात की है इस प्रोसेस की उसने तीन स्टेप्स बताए हैं वो तीन स्टेप्स हैं सबसे पहले स्कोपिंग उसके बाद है डॉक्यूमेंटिंग एंड ट्रांसफरिंग उसके बाद है इंटीग्रेटिंग तो स्कोपिंग का मतलब है डिसाइडिंग वट नॉलेज शुड बी रिटेन बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ द रिस्क ऑफ नॉलेज लॉस कि वो कौन सा स्कोप है वो कौन सी कवरेज है किस नॉलेज को उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नॉलेज ऐसा होगा कि जिसको हमने कैप्चर करना है उसके बाद है डॉक्यूमेंटिंग एंड ट्रांसफरिंग डिटर्मिन हाउ टू ट्रांसफर नॉलेज एंड प्रायोरिटाइजिंग दिस एक्टिविटी कि किस तरह से हमने ट्रांसफर करना है उसके बाद है इंटीग्रेटिंग स्पेसिफिक डिटेल सच हैज विल अ डॉक्यूमेंट डाटा बेस भी यूज किस तरह का डाटा बेस बनेगा वॉट टेक्सानोमी विल बी यूज टू ऑर्गेनाइज़ द नॉलेज कौन सा मैटर डाटा होगा किस तरह की उसकी क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग होगी और किस तरीके से उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये तीनों कंसेप्ट जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा डिटेल के साथ हमारे सामने हैं सबसे पहले स्कोपिंग है इसमें क्या है जी कि प्रिपेरिंग अ लिस्ट ऑफ वॉट नॉलेज इज़ टू बी रिटेनड एंड वट इज़ नॉट कि कौन सा जो सीनियर्स का नॉलेज है उसको हमने रिटेन करना है उसको हमने सेव करना है और कौन से को नहीं करना इसकी एक लिस्ट बनेगी मोस्ट मैनेजर्स विल भी एबल टू रेडली आइडेंटिफाई हुज़ वट टाइप ऑफ एक्सपर्ट इज़ अक्सर जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें ये अंदाज़ा होता है और उन्हें ऑलरेडी ये पता होता है कि किस एम्प्लॉई से हम किस तरह का नॉलेज जो है वो लें वो किस चीज़ का एक्सपर्ट है दिस आइडेंटिफिकेशन मे बी मोर एफिशेंट दैन कैरिंग आउट फुल ब्लोन नॉलेज ऑडिट एक फुल ब्लोन नॉलेज ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है आप सीनियर्स का ये जो नॉलेज है उसको एक्सपर्टीज़ की बेसिस पे आप उसको सेव कर सकते हैं रिप्लीट विद क्वेश्चन आयर्स एंड इंटरव्यूज उसमें ज़रूरत नहीं है कि फुल ब्लोन में जाएँ जिसमें क्वेश्चन आयर्स हों जिसमें इंटरव्यूज़ हों वो ज़्यादा लंबा और ज़्यादा बड़ा काम है और टू डिटर्मिन वेयर क्रिटिकल नॉलेज इज लोकेटेड तो आपने ये जानना है कि क्रिटिकल नॉलेज या इम्पोर्टेंट नॉलेज जो है वो कहाँ पे है इसके लिए मैनेजर्स आमतौर पर ऑलरेडी जानते होते हैं उसके बाद है डॉक्यूमेंटिंग एंड ट्रांसफरिंग का एक स्टेप इसमें क्या होता है ट्रांसफरिंग नॉलेज फ्रॉम द रिटायरिंग एम्प्लॉज टू अदर एम्प्लॉज एंड टू दर्गनाइजेशन कि वो नॉलेज किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है डॉक्यूमेंटेड नॉलेज नीड्स टू बी स्टोर्ड इन एन ईजी टू फाइंड रिट्री एंड री यूज़ में अंदर कि जो आपने डॉक्यूमेंट कर लिया नॉलेज को वो टेस्ट नॉलेज था आपने कैप्चर करके डॉक्यूमेंट किया उसको फिर इस तरीके से आपने ऑर्गनाइज़ करने कि उसमें फ्यूचर के लिए यूज़र के लिए आसानी पैदा हो जाए उसके बाद अन डॉक्यूमेंटेड टेस्ड नॉलेज विल नीड टू बी कोडिफाइड कि जो आपने टेस्ट नॉलेज लिया जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं अभी आया उसको आपने कोडिफाई करना है उसकी अपने क्लासिफिकेशन करनी है या उसको कोई आपने सिस्टम देना है यूजिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स टू कोडिफाइड टेस्ट नॉलेज इस टेस्ट नॉलेज को कॉडिफाई करने के लिए बने बने टेम्पलेट्स हैं आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें जो आखिरी स्टेप है इस प्रोसेस में वो है इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन क्या है इफ़ नॉलेज इज़ नॉट सक्सेसफुली एम्बेडेड बेडेड इन टू ऑर्गनाइजेशनल प्रोसेस इट विल नॉट बी रीयूज तो आपका फेलियर होगा अगर नॉलेज जो आपने जमा किया इतनी कोशिश की इस पर इतने रिसोर्स खर्च किए इतना टाइम लगाया अगर वो नॉलेज आपने सही तरीके से आपने एम्बेड नहीं किया शामिल नहीं किया अपने प्रोसेस में तो आपने ये सारी जो एक्टिविटी थी उसको फेल कर दिया नॉलेज इस्तेमाल नहीं होगा एम्प्लॉज़ नीड टू बी मेड अवेयर दैट दिस कंटेंट इज़ देयर एम्प्लॉज़ को बताना होता है उन्हें कम्युनिकेट करना होता है एंड दैट इट इज़ एक्सेसिबल एंड ईज़ी टू यूज़ एक्सेसिबल कैसे करना है उनके लिए ईजी टू यूज़ आपने बनाया हुआ है इसके लिए उन्हें इतला देनी होगी और इसमें इस इतला को आप कैसे देंगे कई तरीके हैं वर्कशॉप्स कराइए लेक्चर्स, ट्रेनिंग सेशंस, ऑल कैन बी यूज़ टू हेल्प एंड बेट द नॉलेज आप इस नॉलेज को उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसका हिस्सा कैसे बनाना है उसके लिए ये सारे तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं